हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ऑफ इंडियन रसोई। आज हम गणेश चतुर्थी के लिए एक आसानी से बनने वाले पान की मिठाई बनाएंगे, पान मोदक। ये बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट लगते हैं, तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में 1.5 कप नारियल का भूरा लेंगे, यानी डेसिकेटेड कोकोनट। इसमें 1/3 कप गरम दूध डालेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि नारियल दूध से कोट हो जाए, इसे भिगोना नहीं है। अगर दूध कम लगे तो आप थोड़ा दूध और डाल सकते हैं। अब इसे ढक के आधे घंटे का रेस्ट टाइम देंगे। आधे घंटे के बाद हम पैन में नारियल जो हमने भिगो के रखा था वो डालेंगे। 150 ग्राम फीका मावा, ये एक बाउल जितना है, इसे हाथ से क्रम्बल करके डालेंगे और 1/2 कप चीनी डालेंगे। आज धीमी शुरू कर देंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लगभग 3-4 मिनट हो चुके हैं और चीनी पिघलना शुरू हो गई है और मिश्रण भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 4 से 5 पान के पत्तों को पीस के पेस्ट बना के लेंगे। मैंने पेस्ट बनाने के लिए इसमें 1 से 2 चम्मच जितना पानी का यूज किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस मिश्रण को 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे चीनी का पूरा पानी सूखने तक पकाएंगे और ये पैन में एक साथ घूमने लगेगा। और बीच में आप चाहे तो इसमें 2-3 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर के डाल सकते हैं ताकि कलर अच्छा ब्राइट हो जाए। लगभग टोटल 12 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं चीनी का पानी पूरी तरह से सूख गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच काजू बादाम और पिस्ता को मैंने बारीक काट के लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पान मोदक के मिश्रण को एक बोल में निकाल लेंगे और इसे पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा होने देना है। मिश्रण ठंडा हो जाए तो आप इस तरह से मोदक का मोल्ड यूज करके इसे शेप दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो लड्डू या पेड़ा बना सकते हैं, या फिर बर्फी का आकार भी दे सकते हैं। मोदक के मोल्ड को हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पान का मिश्रण लेकर इसे मोल्ड में भरेंगे और मोल्ड को बंद करके इसे मोदक का शेप देंगे। पान मोदक को प्लेट में रखेंगे और बाकी सब मोदक भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो इसे हल्के से नारियल के भूरे से सजा भी सकते हैं। ये 1 छोटी चम्मच जितना नारियल का भूरा है। अब इन पान मोदक को हम फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए सेट होने देंगे और फिर ये खाने के लिए तैयार है। तो इस गणेश चतुर्थी भगवान को धराने के लिए आप इस पान मोदक को जरूर से ट्राई कीजिए। ये काफी इनोवेटिव है और सभी को बहुत पसंद आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।